Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So, अभी हम लोग जा रहे हैं रुहान को लेने, फिर हमें डिनर पे जाना है क्योंकि आज रुहान पूरे दिन से गायब हैं। वो गए हुए अपने दोस्तों के साथ मूवी वगैरह देखने, काफी घंटे गुजर गए, तो अब वो फोन पे फोन कर रहे हैं कि मुझे लेने आओ जल्दी से। तो बस अब हम लोग जाएंगे, उससे लेंगे और फिर जाएंगे डिनर पे। सबसे पहले तैयार होके, और ये देखें अपना फोटो सेशन में लग गई है। क्या तुम बीमार हो? ये ऐसे होते बीमार? ऐसे ये कौन सा बीमार है? मतलब हम तो ऐसे बीमार नहीं होते भाई, अच्छाई का जमाना ही नहीं, एक बंदा हमें बिमार तो ऐसी बीमारी नहीं होती भाई साहब। मम्मी रेडी हो गई? चलिए मम्मी भी रेडी हैं, तो फिर हम चलते हैं जल्दी से क्योंकि रुहान फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। इसका फ़ोटो सेशन आज ख़त्म नहीं होगा क्योंकि कभी बाथरूम में जा रही है, कभी इधर आ रही है। क्या क्या बोलूँ मैं इसको, ये तो बहुत ही स्पीड में बेचारी अकेले अकेले चली जा रही है, पता नहीं क्या चीज़ है। मेरे को गाड़ी चलाने की इतनी जल्दी थी, भागी जा रही है, भागी जा रही है। मतलब कहाँ भाग रही थी भाई, इतनी जल्दी क्यों थी आपको? पता नहीं, तो बस ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ठीक हो गई। हाँ, मैंने पहले ही कहा था मम्मा को कि आज ये बाहर नहीं निकली है, इसको बाहर निकलने की खून में कमी हो रही है असल में, और कोई बात नहीं है। फौरन से ठीक हो गई बाहर निकलने के नाम से, रेडी भी हो गई, सब हो गया। मॉम गजरे मुझे गजरे नहीं दिला रहे हैं ये इस खातून की वजह से, माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। मुझे वैसे भी गजरे नहीं पसंद, मुझे कोई तुम्हें नहीं पसंद ना, मुझे तो पसंद है। वैसे दूर से इशारा कर दिया था, आपको पता था अंकल आ रहे हैं, आप शुरू हो जाइए। हमें क्या बात हुई यार, अब वापसी पे दिलाएंगी इंशाल्लाह, पिटोगी अब, सही है ना? लॉक कर दे अबे यार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं जा रहे हैं जहाँ आप लेके जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं मम्मा बताओ, वॉलेट में कितने पैसे बचे? मम्मा मैं फुल है, वॉलेट फुल है, आपको कुलाची लेके जाने वाले पैसे आप लोग चलो तो रुको बंदूक। हमने यही प्लान किया हुआ है कि आज भाई को लूटेंगे और बोलेंगे सरप्राइज। तो यार मैं आपको अपना वॉलेट खोल के दिखाऊं कितने पैसे? बंदूक की नोक वॉलेट खोल के दिखाऊं कितने पैसे? हां, आई एम अमीर रोकड़ा पार्टी। ओ तेरी खैर साले, यो 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 ला 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 ला, सब हमारे मोहम्मद के सारे पैसे माशाल्लाह माशाल्लाह नजर लग जाती है। ये अभी सामान लेकर मुझे दे दो है, बोले नहीं है शिवाजी मस्जिद के बाहर मिलना तब दे दूंगा। ये संभालने का मतलब इसका ये कि मैं उड़ा के गायब कर दूंगी पैसे, और तो कुछ होगा उसके नहीं, पास उसके खुद के पैसे नहीं बचते, दूसरों के पैसे खाक बचाएगी। वही तो, ये तो इसको सेविंग बिल्कुल नहीं आती, मुझे सेविंग आती है, रुहान भी अब करने लगा है। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच, कड़वा सच यशा ने आज उगल दिया है। चलो टैक्सी चिकन चले, मतलब कहीं भी लेके चले जाओ, कहीं भी इस लड़की को कभी भी ये बोलते हुए नहीं सुनोगे आज मेरे लिए ये कर दिया है, मुझे कहीं लेके चले गए, नहीं, हमेशा बोलेगी कहीं नहीं लेके गए। घर से बाहर ना निकले तो क्या हालत होती? वही तो, खून में कमी हो गई थी रुहान, सुबह से गिरी पड़ी है, पता है वो तो आदत है, उठती कभी घर में, कह रही है मेरी तबीयत खराब है, मच्छर की तरह पूरे दिन बेड पे लेटी रहती है। एग्जैक्टली, आज तो ये मच्छर तो मच्छर भी उड़ता है पूरे घर में, ये एंटीक मच्छर है, पूरे दिन बेड पे लेटा रहता है, इधर करवट लेगा उधर करवट लेगा, वापस लेट गया। और मतलब इतनी नींद कहाँ से आती है कि रात में भी सोए और पूरे दिन भी सोए, तो ये यशा बाजी से पूछा पता नहीं कहाँ से आती है। ऑनलाइन क्लासेस यशा बाजी की मैंने देखी, क्लास ज्वाइन की सो गई, पता नहीं उठ रही है नहीं उठ रही, कह रही उठ जाऊंगी सो रही हूँ तो सो रही हूँ। हाँ मुझे पता है, मैंने देखा तीन घंटे बाद तब चला के खराटे ले रही होती। हाँ सर नाम भी लेते तो मुझे मुझे क्या सोती थी, मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस मुझे क्या सोती थी, यशा बंडी का नाम लेंगे मुझे उठा देना वरना सो देना। मुझे अटेंडेंस लगाने के लिए कहे, फिर तुमने कैसे बोला? मैंने बोला ही नहीं, मतलब मुझे लगा तुमने आवाज निकाली होगी, प्रेजेंट पिज्जा खाने जा रहे हैं बोला तो है। पिज्जा खाने जा रहे हैं? पिज्जा कहाँ का? पिज्जा मैक्स, आई लाइक इट। इतना टाइम हो गया मैं गए हुए, लाइक बहुत सारा टाइम हो गया, लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, क्या खोलूं क्योंकि वी स्विच टू डोमिनोज। आप सब छोड़ो, हम बहुत टाइम हो गया, गौर से देखिए चेहरे को, ये अपने आप को मैप कहती है, मुझे कह रही है गूगल मैप खोलो। चलो जी हो गई टाटा, पिज्जा मैक्स कौन सी ब्रांच पे है? निशात, मुझे एड्रेस पता है। हेलो
और मेरा फोन चोरी कर करके ये बार बार जो है ना स्नैप्स बना रही है। चलो चलो मेन्यू देखो, मम्मी देखे ना क्या खिलाना है आपको। एक रेगुलर तो मेरा है, बल्कि सॉरी क्या खिलाना है आपको। एक रेगुलर तो मेरा है। ऐसा आप यहाँ पे सोने उठो होल मेन्यू। एंड रुहान और क्या ऑर्डर करना चाह रहे हैं आप? सब कुछ बताओ, सब कुछ आप बताओ। लॉटरी खुली है मेरी, आ जाओ। लॉटरी खुली ना, वॉलेट पर दे दो। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम खिलवा दो। मुझे निशानी को बस देता हूँ, निशानी है दे देंगे। दे दो, वैसे भी बहुत गरीब है ये। नहीं मुझे पता है, 10 रुपये दस दे पाता। दस रुपये निशा जी, मैं अच्छा भाई हूँ, 80 रुपीज़ दे। ओ माशाल्लाह, 80 रुपये दिए वो भी वापस ले लिए, कैसा भाई। बस ये तो देखो, अभी आज पर्स ही छोड़ आई हूँ। हाँ आज मैं पर्स ही छोड़ आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रुहान बिल पे करेगा। प्लान था ना मेरा, पूरा पूरा इरादा था, इसलिए मैं वॉलेट नहीं लेके आई, वरना हर जगह मैं वॉलेट लेके जाती हूँ। बात सुनो बात सुनो, वॉलेट मेरे सबसे टॉप पे शादी का नाम है, साइन हुआ है। ये तो इनका शौक, ये तो इनका शौक है ना। जहाँ रुहान ये ना कॉपियों के पीछे भी साइन करके रखती थी और टूटे हुए दिल बना के रखती थी। जहाँ टीचर्स देखती थी ना, एक हमारा कौन सा बोर्ड होता था, एग्जामिनेशन बोर्ड, एक एग्जामिनेशन बोर्ड था, हार्ड बोर्ड जो होता है उसके ऊपर, हाँ हाँ हार्ड बोर्ड होता था। तो स्कूल में ना वो मैं लेके गई हूँ एग्ज़ाम करने के लिए ना, तो क्या हुआ, मेरी टीचर आई, इन्विजिलेटर वो आई, वो चेक कर रही थी उसको, तो चेक करके कहते हैं कि जो है ना ये ज़रूर यशा का होगा। क्यों बोला? क्योंकि उसके पीछे टूटा हुआ दिल बना हुआ था। क्या टूटा हुआ दिल था ना मेरा? हाँ वो टूटा हुआ दिल तो बना हुआ था। मुझे क्या मिलता? टूटा हुआ दिल सब जगह। क्या अभी तक जोड़ी है अपनी माँ के सामने ऐसे बात कर रही है? हाँ। अरे यशा बच्ची शर्म आती है, वो देखो भी कैसी है, वो दस किलो डेरे था पीछे पासों का लटका हुआ था। बात होती है, वापस तो वापस अब ले लूँगी। उनके लिए लेके आई बेचारी इंसान, कभी उससे मांग रही है, कभी मुझसे मांग रही है फ़ोन, चाहती क्या हो। हाँ मोबाइल का पहले फ़ोन ही ले लो, हमें अच्छी बात है, आप इसमें ले लो। लेकिन मैं इंसान खूबसूरत हूँ। अब आप प्रोफेशनल बेकारी बन चुकी हैं, बच्चों को अपने डैडी को ढूंढ रही है। आंटी पीछे वाली कह रही है बड़े दिमाग है, इनको कैसे पता। डर रही है बच्ची, खुदा का खौफ करो। देख रो रही है, खुदा का खौफ नहीं है, बच्ची को डरा रही है। बच्ची है ना ये मुझे देख के हंस रही है, यशा को देख के रो रही है। इसी बटन नाइफ से इसका खत्म हो गया। मूवी कैसी थी, क्या क्या हुआ, क्यों बताना मत। जरूर इसको बताऊँ क्या कर रहा होगा। हाँ, क्या अपने कोई दोस्त होंगे ना इसको, उनको बताना होगा मैंने मूवी देखी इसमें। बिल्कुल सही बोल रही हूँ यशा, तुम्हें नहीं बताएंगे हम उसको। एक घंटे में हम कहते हैं एल्फ्रेड, क्योंकि एल्फ्रेडो पास्ता खाती रहती है बस। लेकिन मैंने बताया ना एल्फ्रेड की स्टोरी। अच्छा बस एक ही, किसी ने तो मैं बता दिया होगा। उसमें विलन कौन था? रुको याद था मुझे, कल ही सुना था। ये वो लोग हैं जिनको कोई गलती से बता देता है ना, उनको ऐसे कुछ याद रह जाता है। नाम बताना विलेन का, मुझे याद है। सब बता दें तुम्हें, एंड में आ रहे हैं सब बता दें। नहीं यार से सारे नाम ले दो, छोड़ी मार रही हमारे आगे। रेडलर देख, चीज लाइक तुम्हें पूछ के बताऊंगी रात में। बहुत सन्नाटा में मम्मा हमारा खून करना चाह रही है, कुछ नहीं चाह रही है। बटर नाइफ से बटर लगाते हैं, घर से बाहर किस भी आते कैसे बातें करना है सुकून के लिए। हाँ तो फिर आप अभी फोन हाथ में बैठे हो, तो व्लॉग बना रही हो ना यार। फिर मैं आती हूँ जिसके जो बगैर मोबाइल का, क्योंकि अभी आपका मोबाइल है जो मेरे आके रखा है, तो इसमें कोई शराफत नहीं है ना। एग्जैक्ट, ये माँ ने, माँ बच्चों की रग रग से वाकिफ होती है। देखो फन फैक्ट बताऊँ, हाँ इस वक्त सबसे ज्यादा इस बंदी की रग रग से वाकिफ मैं हूँ। ये रुहान को बहुत ज्यादा खुश फहमी है, रुहान को जरा सी बात पता चलती है इसको लगता है उसको बहुत पता है, जबकि इसको नहीं पता कि मुझे पता है, पर इसको नहीं पता कि मुझे भी पता है, पर मुझे भी थोड़ा सा पता है जो ये बताना चाहती है, समझे। देखिए दोनों रात को एक साथ पकड़े जाते हैं जब मेरी आँख खुल जाती है। ये भी सही है,
देखें एक बच्ची सिर्फ मैं शरीफ जो अपने सो जाती है आराम से, अपना कमरा होता है, आप फरार होती है, मैं और रोहन ड्राइंग रूम में बसेरा करते हैं। तो फेवरेट है ना काम आप लोग का ड्राइंग रूम। एक मिनट से बहन के कमरे में चले जाते हैं, अल्लाह खैर करे। तो भाई हमारा खाना आ चुका है, आप ये बड़ा वाला स्लाइस ले रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पिज्ज़ा मेरा हुआ, ये वाला सही है। यशा आप भूखी रह लो हवा पे, तुम वैसे भी हवा पे रहती हो। एक स्लाइस पूरा मेरा हुआ। मेरी मम्मा मासूमियत से देख रही है कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जेब भी बड़ी है, दिल भी बड़ा है। माशाल्लाह। हाँ बस बैस्किन रॉबिन्स पे ही दिला देगा हमें अच्छी तरह। मैंने उस पिज्ज़ा का सबसे बड़ा स्लाइस चूज किया और मुझे इसका सबसे बड़ा स्लाइस नज़र आ गया है जिस पर अटैक जा रहा है। बड़े बड़े अब जैसा आप लोग देख सकते हैं बंदी खाने पर खाना खाए जा रही है। फिर कल बोलेगी कि जो है मैंने खाना खा लिया है, डाइटिंग है मेरी कल से वाकई डाइट है। छोड़ दो हमें सबसे ज़्यादा उनकी ना ऐसी डाइट होती है कि बन आ डाइट। एक घंटे डाइट होगी, उसके अगले घंटे इतना ज़्यादा खाना खोलेंगे। एक दिन आपने इतनी डाइटिंग करके बोलेगी मैं खीरे पे डाइट। इनका डाइट डे पता है, डाइट डे का मतलब क्या होता है? रात में उसके कमरे से केएफसी खाते हैं। डाइट डे का उर्दू ट्रांसलेशन ये शबा जी, इनके डाइट डे का उर्दू ट्रांसलेशन बताऊँ, ज़्यादा खाने वाला दिन जिस दिन डाइट करती हूँ उस दिन डबल खाती है। रात में बर्गर खा के बोलती है वो ना भूख लग रही थी ना मम्मा, बीपी लो जाता ना कमज़ोर हूँ। जीरा वाटर रखा है आज, इसको पिलाना घर ले जाके पूरा पूरा डोंगा भर के पिलाएंगे। मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोग का? पेप्सी पी लिए। पेप्सी हाँ, कल से पक्का कसम से वादा करो। मैं वादा है ना वादा रिकॉर्ड कर करके हमारे पास एक स्पेशल चीज़ के लिए वेट कम करना है। तेज हो समझ तो आप लोग गए होंगे। पसीना तो साफ कर लो। आज तो मुझे आ रहे हैं जो उसने केचप खाया ना उस बात पे आंसू आ रहे हैं यार। ये वी हेट यू फॉर दिस, तुम गद्दार निकलो। आज से तुमसे नफरत है और तुम्हें डिसोन कर दिया है हमने। अब टाइम आ चुका है रोहान का अपना वादा पूरा करने का। हेलो रोहान, फर्स्ट प्रोफेशनल पेमेंट। ओहो मलदार पाची। खत्म नहीं हो रही है, पिए जा रही है। शर्म करो बेटा। अच्छी है फिर बोलते हैं घर जाकर डाइटिंग करूँगी। करूँगी ना, चुप हो जाओ ना, पीछे पड़ गई मेरी। कोई डाइटिंग नहीं होती है इस घर में। केचप वाली से बात नहीं की किसी। आखिरी बार पी रही ना इसलिए थोड़ी ज़्यादा तो पी ले। मैं जैसे कल में पी नहीं, ये लास्ट है, ये लास्ट है पक्का। ये गल नहीं आती, ये आखिरी घूंट, आखिरी घूंट। ये दोनों वो बेचारा ला के दे रहा है, कह रहा है कि मैम आप अपना फोन ही भूल गई हैं। कैसा है ये मौसम ना जाने कहां से ये फिजाई, गमों की धूप संग लाई। चंडीगढ़ ना साहिल पे खड़े गा दूंगा। नहीं बस खुदा का खौफ करो, हमें नहीं सुनना तुम्हारा साहिल पे खड़े। पे खड़े हो तुम्हें क्या गम है, वादा फरामोश में तुझे साथ नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, तूने खुद ही बोल दिया मेरा याद है। भूला तो नहीं हूँ। एक क्रंच आइसक्रीम का कप पार्सल जी, पार्सल। अब बस हम लोग घर जा रहे हैं, तो बस व्लॉग को यहीं पे का एंड करूंगी। बता दे सबको क्या करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें? मम्मा हर बार भूल जाती है जब भी मम्मा से पूछो। लाइक कमेंट शेयर और चादर हम तोड़ दें। लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और नियत बदला का मोबाइल बंद करके सो जा। सो जा, रात भर स्क्रॉल कर रहा है फोन पे, सो जा। ओके गाइस, लव यू।